अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला स्पंज। बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ताकि इसकी जो टिप्स और टेक्निक हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या करना है। ओनली फोर इन्ग्रीडियंट्स आई कैन यूज़ स्पंज केक: एग, शुगर, फ्लावर एंड वनीला एसेंस। तो एक बॉल ले लेंगे, इसके अंदर एग वन बाय वन डालेंगे, एक साथ सारे एक जगह पे नहीं तोड़ते। रीज़न ये होता है इनके अगर कोई ख़राब है, गिर जाए, कोई पार्ट ख़राब उसके अंदर गिर जाए तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम एग तोड़ के डालेंगे। बड़ी क्वांटिटी ले रहे हैं तो उसको एक एक अंडे को अलग अलग तोड़ेंगे और फिर उसको एक बॉल में डालेंगे। हमारे पास सिर्फ 5 एग हैं इसलिए इनको एक ही साथ तोड़ो। अच्छा, 5 एग ले लिए मैंने। इसके अंदर 125 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आप इसकी एक कैलकुलेशन याद कर लें तो आपको लॉन्ग टाइम ज़िंदगी भर आसानी रहेगी। कभी आप इसकी रेसिपी नहीं भूलेंगे। जब भी स्पंज बनाएंगे कोई आपसे पूछे तो आप उसको फौरन बता सकते हैं कि भाई ये तो इस तरीके से बनता है। अच्छा, खैर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी क्या करना है, मैंने फुल स्पीड पे बीटर ऑन कर दिए और ये विप हो रहा है, बीट हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, शुगर एंड एग मिक्स टुगेदर। तो हमने करना क्या है, इसको फ्लफी करना है। देखते हैं, ये 4 to 5 मिनट लेगा और फॉर्मी शेप में आना शुरू हो जाएगा। किस शेप पे आके इसको रोकना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है, कहाँ पे इसको स्टिल करना है और कहाँ पे फोल्डिंग करनी है मैदे की, फ्लोर की। ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था रेसिपी के बारे में बात करता था आपसे। 1 egg is equal to 5 gram sugar and 5 gram flour। जी हाँ, एक अंडे के अंदर 5 ग्राम चीनी और 5 ग्राम मैदा ऐड होता है। ठीक है, इसको आप प्लस करते जाएं, एग की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, शुगर और फ्लोर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, तो ये आपकी रेसिपी डन हो जाएगी। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, इसमें अब सर्कल बन रहे हैं। ये हैवी फॉर्म में आ रहा है और ये देखें इस तरह हैवी हो गया है, थोड़ा सा थिन है, जस्ट लिटल मूवमेंट। अच्छा, थोड़ा सा और विप करेंगे। थोड़ा सा विप करने के बाद देखें इस तरीके से ये इस शेप में आ जाएगा। जैसे मैंने थोड़ा सा बीट करने के बाद अब इसको दोबारा उठाया, पहले ये बिल्कुल ही बह रहा था और ये अब स्टिल होकर नीचे गिरा है। अच्छा, फोल्डिंग बहुत मेन स्टेप है इसका, बहुत ज़्यादा मेन स्टेप है। आपने फोल्डिंग अच्छी कर ली आप का स्पंज बहुत अच्छा आएगा। फोल्डिंग की मोमेंट देखें, मैं स्लो स्लो डस्ट कर रहा हूँ फ्लोर की और स्पैचुलर को मूव कर रहा हूँ नीचे, पैंदे से टच होता हुआ ये ऊपर की तरफ आ रहा है और मैं एक साथ नहीं डाल रहा और ना ही मैं हाथ की मदद से कर रहा हूँ। अगर आपने हाथ से भी करना है तो हाथ को बिल्कुल फोल्ड करके एक स्पून की तरह शेप देखिए और आपने उसको ज़मीन से, मतलब जो आपने बॉल लिया है उसके बेस से टच करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएगा, जिस तरह मैं स्पैचुलर्स को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मूवमेंट आपने रखनी है बस। इस मूवमेंट से आपका जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा फ्लावर आपका, और इसमें लम्स भी नहीं आएंगे, कोई गुठली वगैरह नहीं बनेगी और ये बैठेगी। आपने ज़्यादा जल्दी 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 मूव नहीं करना। ज़्यादा मूव करने से, ज़्यादा हाथ मारने से ये देखें बिल्कुल उसी शेप में उतनी ही क्वांटिटी में है और ये अच्छे से फोल्ड हो गया। इसमें कोई गुठली वगैरह किसी किस्म की कोई इस तरह की चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, और ये देख लें थिकनेस इसकी आप। अच्छा, ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा फोल्ड करने से क्या होता है। ज़्यादा फोल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो इसका फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर जो एयर बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, ये ज़मीन पे बैठना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाएगा। और जब आप उसको बेक करेंगे तो ये बहुत हार्ड फॉर्म में आएगा, रबड़ की तरह, जैसे पैन केक होता है जिस तरह, उसका यूँ लचीला सा और उस शेप में आ जाएगा। अच्छा, खैर दो मोल्ड मैंने ले लिए, 1 pound and 2 pound। ठीक है, इसमें ऑयलिंग कर रहा हूँ। आप पेपर लगाना चाहें पेपर भी लगा सकते हैं, ऑयल लगाना चाहें या घी लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक चीज़ आपको बताऊँ, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल मैंने इसके अंदर नहीं किया। विदाउट बेकिंग पाउडर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। ठीक है, और मेरी अगर आपने वीडियो देखी हो माई डेली रूटीन वर्क, तो मेरे पास 180 से 200 pound डेली
रूटीन में यूज़ होता है। आप उसकी स्पंज की क्वालिटी देख रहे हैं, और ये भी अभी स्पंज आएगा तो आप इसकी क्वालिटी भी देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट होता है, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अपने फोल्डिंग के ऊपर बहुत फोकस रखना है कि ज़्यादा फोल्डिंग, ज़्यादा मोमेंट नहीं करना, बस इसको उस हद तक करना है जब तक ये हो जाए। अच्छा, ये देखें, मैंने बेक कर लिया। बेकिंग टाइम इसका है 25 मिनट्स। टेम्परेचर 180 to 200 डिग्री पे आपने इसको रखना है। 180 to 200 टेम्परेचर आपने इसका रखना है। प्री हीट आपने 5 to 10 मिनट इसको प्री हीट करना है। उसके बाद जो हमने स्पंज मोल्ड में डाला था वो डाल देंगे, और 25 मिनट के बाद आपने इसको ओवन से निकाल लेना। तो ये देखें, इस तरीके से ये रेडी हो चुके हैं। कितने आराम से मोल्ड से बाहर आ गया, ना उस पर चिपका है, ना कुछ हुआ है। ऑयलिंग जो मैंने की थी, और कितना सॉफ्ट है। केक कलेक्शन तो आप देखते रहते हैं, केक एंड बेक के नाम से जो मैंने चैनल बनाया हुआ है, उसमें मोस्टली केक का ही मैं डेकोरेटिंग करना बताता हूँ, किस तरीके से होगी, कैसे आपने मोमेंट देनी है, किस तरीके से क्या डिज़ाइन आएगा, कौन से टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो ये देखें, ये वनीला स्पंज मैंने ऊपर से आपको काट के दिखाया, ऊपर से इसकी आप रिमूव कर दी, और ये हमारा 1 and 2 pound का स्पंज देख सकते हैं। देखने में, कटिंग करने में आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सॉफ्ट है, कितना मॉइस्ट है। और इसका फॉर्म देखें, स्पंज देखें, इसमें बबल्स नहीं है, एयर नहीं है, इसमें बीच में गैप नहीं है। यू आर वॉचिंग सिंपल वनीला स्पंज केक रेसिपी इज़ कम्प्लीट एंड सॉफ्ट मॉइस्ट एंड फ्लफी स्पंज। अगर आपको टोस्टर के अंदर स्पंज बनाना है, किस तरीके से बनाते हैं टोस्टर के अंदर, जी हाँ, टोस्टर के अंदर स्पंज, वो भी बहुत ईजी है, सिंपल है। तो आप मेरी गैलरी में जाके माय डॉटर्स वीडियो, इनाया फातिमा ने रिसेंटली कुछ वीडियो बनाई थी, तो आप वो देखें कि सैंडविच मेक में किस तरह स्पंज बनता है। थैंक यू।